तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि भक्ति योग क्या है, कैसे करते हैं और किनको नहीं करना है। तो सब्सक्राइब कर लो त्रिनेत्रा फिटनेस चैनल को, क्योंकि इसके ऊपर मैं आपको देता हूँ हेल्थ एंड फिटनेस से रियल एंड क्वालिटी इन्फॉर्मेशन। मैं क्वांटिटी के पीछे नहीं भागता, तो सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले भक्ति योग का अर्थ समझते हैं। भक्ति योग के अंदर दो शब्द लिए गए हैं, पहला है भक्ति, दूसरा है योग। भक्ति का अर्थ होता है बार बार किसी चीज को जपना या फिर रटना किसी चीज को, और योग का मतलब होता है इनटू माने मल्टीप्लिकेशन। तो भक्ति योग करना कैसे है? भक्ति योग करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बताता हूँ, जब आप भक्ति करने बैठे, मतलब जब सुबह पूजा करने बैठे या फिर शाम को पूजा करने बैठे हैं, तब आपको खाली पूजा ही करनी है और कोई काम नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बहुत जन को देखा, वो लोग पूजा करते करते अगर सामने से कोई गया तो उसको देख रहे हैं वो कहाँ तक जाएगा, उसको वहाँ पर बैठा के आएंगे, मतलब आँखों से। फिर मैंने देखा कि पूजा करें मच्छर काट लिया उसको मार के हट, ऐसे पूजा करते समय फ़ोन आ गया तो फ़ोन पे बात भी कर रहे हैं और आरती भी कर रहे हैं भगवान की। तो ये जो पूजा करते हैं ये आम इंसानों के लिए पूजा तो ठीक है, पर ये भक्ति योग के अंदर नहीं आएगा। भक्ति योग का अर्थ होता है कि जब आप भक्ति कर रहे हैं, कोई चीज़ की पूजा कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो उससे कम्प्लीटली मल्टीप्लाई होकर एक हो गए। अब उसका क्या अर्थ होता है? उसका अर्थ होता है जब आप भक्ति कर रहे हैं, मतलब जब पूजा कर रहे हैं, तो आपका कम्प्लीट फोकस, आपका फुल ध्यान पूजा के ऊपर ही होना चाहिए। कृष्ण भगवान की कर रहे हैं, कृष्ण भगवान पे होना चाहिए। शिव जी की कर रहे हैं, शिव जी पे होना चाहिए। हनुमान जी की कर रहे हैं, हनुमान जी पे होना चाहिए। किसी भी भगवान की पूजा कर रहे हैं तो आपका सारा ध्यान उसी में होना चाहिए। अब भक्ति योग का ये अर्थ नहीं है कि दिन के अंदर दो घंटे इस समय पूजा करनी है, दो घंटे इस समय पूजा करनी है, ये गलत धारणा है। भगवान गीता में कहते हैं कि जब पूजा कर रहे हो या फिर जब कोई भी काम कर रहे हो तो सारा ध्यान उस एक काम पे ही लगाओ, तभी वो काम मैं स्वीकार करता हूँ। उन्होंने बोला, भगवान कृष्ण ने, कि पांडवों के अंदर अर्जुन मैं हूँ। किस लिए? पांडव में तो सबसे शक्तिशाली भीम था, तो भीम क्यों नहीं? अर्जुन इसलिए क्योंकि अर्जुन की एकाग्रता इतनी थी, आपको तो पता ही है पक्षी की आंख वाली कहानी। उसने बोला कि मेरे को पक्षी भी नहीं दिख रहा, आंख भी नहीं दिख रही, खाली पुतली दिख रही है। तो वो जो ध्यान, वो जो कॉन्सेंट्रेशन है किसी एक चीज़ को, उसको बोलते हैं योग। उस चीज़ से मल्टीप्लाई होकर उसी के अंदर मिक्स हो जाना। तो भक्ति योग का अर्थ होता है कि जो काम जब कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप पूजा कर रहे हो तो उस पूजा में कम्प्लीटली इनटू हो जाना, माने उस पूजा में ही लीन हो जाना। बगल में कोई मारपीट कर रहा है, फोन बज रहा है, बच्चे खेल कूद रहे हैं, टीवी चल रहा है, कोई ध्यान नहीं। पूजा आप आधी घंटा करते हो, पाँच मिनट करते हो, दो घंटा करते हो, पर जब पूजा कर रहे हो तो सारा ध्यान पूजा में ही होना चाहिए। और बहुत जन बोलते हैं भक्ति योग का मतलब होता है माला जाप करना, ये करना, वो करना, वो अलग अलग आयाम है, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ भक्ति योग। जब आप सारा ध्यान लगा के पूजा पाठ का कोई भी काम करते हैं तो वो आपका भक्ति योग में अपने आप ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब जानते हैं भक्ति योग किसको नहीं करना है। भक्ति योग उसे नहीं करना है जो अभी गुस्सा में है, भक्ति योग उसे नहीं करना है जो अभी दुख में है, भक्ति योग उसे नहीं करना है जो अभी खुशी है, मतलब जिसके अंदर अभी भक्ति के साथ में कोई और भी फीलिंग्स हो। जब आप भक्ति कर रहे हो तो आप में खाली भक्ति ही होनी चाहिए, दूसरी फीलिंग्स नहीं आनी चाहिए, ना ही एंगर, ना ही लालच, ना ही कुछ और। आप किसी चीज़, समझ लो कोई अपने बिजनेस के लिए भक्ति कर रहा है, तो उसके अंदर बिजनेस प्लस भक्ति नहीं होनी चाहिए, ओनली भक्ति होनी चाहिए। आप बिजनेस के लिए बोल दिए उसके बाद भक्ति करो, पर जब भक्ति कर रहे हो तो खाली भक्ति होनी चाहिए। अगर उस समय बिजनेस और भक्ति मिक्स होगी तो वो भक्ति योग नहीं है। तो ऐसे लोग जो लोग एक साथ दो चीज़ को सोच के करते हैं, बोले भक्ति तो है, भगवान स्वीकार तो करेगा, बट आप यदि उसको भक्ति योग की संज्ञा देना चाहोगे तो वो भक्ति योग की परिभाषा में नहीं आता। बाकी प्रेम भक्ति, भगवान बोलते हैं कि मेरा नाम लेकर के तुम बोल दो मुझे पैसे चाहिए, भगवान दे दो, तो वो भी भक्ति ही है। भगवान ये बोलते हैं कि तुम मेरी भक्ति करो, ये नहीं बोलते कि भक्ति योग करो। भगवान बोलते हैं मेरा नाम लोगे तो भी मैं प्रसन्न होकर तुमको जो चाहिए वो दे दूंगी, कुछ नहीं चाहिए उसके लिए भी तुम भक्ति करोगे तो भी। साकार निराकार दोनों भक्ति को भगवान स्वीकार करते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ करना किस तरह से वो बता दिया है आपको। तो ये थी आज की वीडियो। राधे राधे।